नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम लखवाल आज हाजिर हूँ फिर स्मरण कार्यक्रम में। निर्माता निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा के कालजयी धारावाहिक महाभारत में जैसे ही द्रौपदी की एंट्री हुई वैसे ही दर्शकों की निगाह में चढ़ने वाली किसी अभिनेत्री का अगर जिक्र आता है तो वह है रूपा गांगुली का। हाँ मित्रों, आज उनके जन्मदिन पर हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनीति रूपा गांगुली की। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट कल्याणी में हुआ था। उनका लालन पालन संयुक्त परिवार में हुआ। रूपा गांगुली को खास प्रसिद्धि बी आर चोपड़ा के 1988 में प्रसारित हुए ऐतिहासिक धारावाहिक में द्रौपदी की भूमिका निभाने के बाद मिली। इस धारावाहिक में उनके निभाए किरदार को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि वह अपनी इस छवि में घर घर में रच बस गई। रूपा फिल्मों में भी अपने बेजोड़ अभिनय के लिए भी पहचानी जाती है। गौतम घोष की फिल्म पोदमा नौदीर माझी, अपर्णा सेन की युगांत और ऋतु पर्णो घोष की ओंतोर मोहल फिल्म में उनके अभिनय से रूपा ने दर्शकों और फिल्म जगत में खास मुकाम बनाया। कोलकाता की यह कलाकार अभिनेत्री से राजनेता बनी और राज्यसभा में सांसद है। उन्हें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के स्थान पर अक्टूबर 2016 में भाजपा ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। रूपा गांगुली अभिनेत्री, पार्श्व गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ भी हैं। अगर उनके छात्र जीवन की बात की जाए और कोलकाता के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से संबद्ध महिला जोगमाया देवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और पुरस्कार विजेता फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया है। रूपा बी आर चोपड़ा के हिट टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में द्रौपदी के अभिनय से इतनी लोकप्रिय हो गई कि वह लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने हिंदी और बंगला के कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया जिसमें सुकन्या भी शामिल है। कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद वे कोलकाता आ गई और 90 के दशक के कई बंगाली फिल्मों में अभिनय करने के बाद 2007 में रूपा मुंबई वापस पहुंची और अंजन दत्ता द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म बो बैरक्स फार एवर में काम किया। उन्होंने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। करम अपना अपना धारावाहिक से हिंदी टीवी जगत में सफर शुरू किया। उन्होंने लव स्टोरी सब टीवी धारावाहिक और 2009 में आए धारावाहिक अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में काम किया। हिंदी फिल्मों में रूपा ने अनिल कपूर अभिनीत फिल्म साहिब से बतौर एक बाल अभिनेत्री शुरुआत की। इथिले इनियम वारू महाभारत धारावाहिक, एक दिन अचानक कमला की मौत, प्यार का देवता बाहर आने तक, मीना बाजार, इंस्पेक्टर धनुष, सोगंध, विरोधी, सच का सामना धारावाहिकों और फिल्मों में काम कर अच्छी खासी पहचान बनाई। उनकी दूसरी भूमिका मलयालम फिल्म इथिले इनियम वारू में ममूटी के साथ बतौर मुख्य अभिनेत्री थी। उन्हें मृणाल सेन की एक दिन अचानक 1989 में अभिनय का मौका मिला। स्टार प्लस के हिट रियलिटी शो सच का सामना की समापन कड़ी में उनकी उपस्थिति ने मीडिया में हलचल पैदा कर दी। इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया था। यह धारावाहिक अंग्रेजी रियलिटी शो दी मूवमेंट ऑफ ट्रूथ का हिंदी वर्जन था। रूपा गांगुली प्रशिक्षित रविंद्र संगीत और गायिका के साथ ही शास्त्रीय नर्तकी भी है। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका को स्वीकार करने से पहले उन्हें वर्ष 1985 में बंगाली टीवी धारावाहिक स्त्री पात्रा और 1986 में हिंदी टीवी धारावाहिक गण देवता में देखा गया था। वह नेहरू युवा केंद्र संगठन बोर्ड के सदस्यों में भी एक है। राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार 2016 में हावड़ा उत्तर से विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला से हार गई। 2016 में रसायन और उर्वरक समिति की सदस्य बनी। 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में एक लंबी पारी के बाद रूपा गांगुली ने भाजपा के साथ राजनीति में प्रवेश किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वह भाजपा में शामिल हुई। उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की राज्य शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति में हैं और अपनी समाज सेवा के प्रकल्पों को भी पूरा कर रही हैं। तो दोस्तों, यह था
प्रख्यात अभिनेत्री रूपा गांगुली पर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक नमस्कार।